तो रहने देने के हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ये भी सच है कि हम इनके सामने नखून भी नहीं है, ये भी सच है कि हम इनके सामने नखून भी नहीं है। लेकिन मेरा भी अकेला बेटा, मैं चाहता हूँ कि ये लाखों कमा रहे हैं, अगर पूरे महीने में हमारा बच्चा 10-20 हज़ार भी कमा रहा है तो ये सोच कर के भाई चलो अपना बच्चा अपने टाइम से स्टैंड हो रहा है, ठीक है, मुझे बेच के क्या मिलेगा। क्या काम करा, 50-60 जने इनके यहाँ काम करते हैं, 50-60 जने इनके यहाँ काम करते हैं। जैसे मैं आया तो मैंने देखा मेरे बच्चों को सारे मिलकर पीट रहे हैं, तो जैसे मैंने बचाने की कोशिश करी, वो जो लकड़ी का डंडा सा होता है, बैट सा बोलते हैं, इन्होंने मेरा भी मारा बाहर जा करके। फिर मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने बचाने की कोशिश करी, इस बीच में 50-60 आदमी इनके स्टाफ पे आ गए, अंदर तक घुस के शीशा भी फोड़ रहे हैं और बास्केटबॉल मारे और जो बोर्ड वगैरह है वो मारे। तो मैंने कहा यार ये क्या, तुम लोग कौन हो भाई, तुम्हें जानता भी नहीं कौन हो, पता नहीं कहाँ के, तो मुझे क्या पता है तो इनके स्टाफ के आदमी है सारे के सारे, कहते हैं तो दुकान खाली करवा के छोड़ेंगे। हाँ रुको भैया, तो हमारी दुकान को किसी भी कीमत पर ये चाहते हैं कि ये बेचा, ये खाली कर दे या बंद कर दे। अब भाई मैं बताऊँ, मैं एक अकेला अपने बच्चे को ये चाह रहा हूँ, स्टैंड हो रहा है, ठीक है चलो ठीक है, अब इसे बेच कर मैं दूसरी जगह जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या ना करें। अब पुलिस आई थी क्या, आपने कोई लिखित भी दिया, लिखित में कोई शिकायत दी है? अभी तो हमने कोई लिखित इतना कुछ कर नहीं पाया, सोच रहे हैं क्या करना है। खैर पुलिस आगे, बच्चे ने हमारे फोन कराया, किसी और व्यक्ति ने 100 नंबर ने कराया, ऐसी बात है। अब जाने थाने बच्चा क्या, इसमें किसी के आपके लड़के की चोट भी आई है, किसी और की चोट भी आई है, हमें कुछ नहीं पता। हमारे लड़के को तो और बुखार हो रहा है, नर्वस हो रहा है वो तो। हाँ उससे तो बोला भी नहीं जा रहा है, इन्होंने मारा है उसे, आप बहुत ज्यादा मारा है उसे। आप बोलने की स्थिति से भी समझ सकते हैं, सब कुछ आपके सामने, आपके सामने दिखाई भी दे जाएगा कि सारी दुकान तोड़ दिया, सब कुछ कर लिया इन्होंने।